बुलेटिनच्या सुरुवातीला बातमी आहे राजधानी दिल्लीतून। आज भारताला स्वातंत्र्य मिळून 75 वर्ष पूर्ण झाली आहेत। देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी लाल किल्ल्यावर ध्वजारोहण केलं। यावेळी पंतप्रधानांनी जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय अनुसंधान असा नवा नारा दिला। इतकंच नाही तर पंतप्रधान मोदींनी भ्रष्टाचाराच्या मुद्द्यावरही भाष्य केलं। देश लुटणाऱ्यांना परतावा द्यावा लागेल असा इशाराही त्यांनी दिला। देशात स्त्रियांना आणि मुलींना समानतेची वागणूक मिळाली पाहिजे। आपण स्त्रियांना जेवढी संधी देऊ त्यापेक्षा कितीतरी पटीने त्या आपल्याला परत देतील। त्यामुळे देशाच्या आगामी वाटचालीमध्ये नारी शक्तीचा वाटा महत्त्वाचा असेल। पुढील काळात ही मोठी पूंजी ठरेल असंही मोदी म्हणाले। पंतप्रधान मोदींनी स्वातंत्र्य दिनानिमित्त लाल किल्ल्यावरून देशवासियांना संबोधित केलं। तर अलीकडच्या काळामध्ये आपल्याकडे एक प्रकारची विकृती निर्माण झाली आहे। आपण आपल्या काही शब्दांमुळे स्त्रियांचा अपमान करतो, ही गोष्ट घडता कामा नये असंही मोदी म्हणाले। मैं सबकी चर्चा न करते हुए दो पर जरूर चर्चा करना चाहता हूं। एक है भ्रष्टाचार, दूसरा है भाई भतीजावाद, परिवारवाद। एक तरफ वो लोग हैं जिनके पास रहने के लिए जगह नहीं है, दूसरी पर वो तरफ लोग हैं जिनको अपना चोरी किया हुआ माल रखने के लिए जगह नहीं है। ये स्थिति अच्छी नहीं है दोस्तों। अब हम 5G के दौर की ओर कदम रख रहे हैं। बहुत दूर इंतजार नहीं करना होगा, हम कदम मिलाने वाले हैं। हम ऑप्टिकल फाइबर गांव-गांव में पहुंचा रहे हैं। डिजिटल इंडिया का सपना गांव से गुजरेगा, ये मुझे पूरी जानकारी है। शिक्षा में आमूलचूल क्रांति ये डिजिटल माध्यम से आने वाली है। स्वास्थ्य सेवाओं में आमूलचूल क्रांति डिजिटल से आने वाली है। कृषि जीवन में भी बहुत बड़ा बदलाव डिजिटल से आने वाला है। एक नया विश्व तैयार हो रहा है। हमारे अंदर एक ऐसी विकृति आई है, हमारी बोलचाल में, हमारे व्यवहार में, हमारे कुछ शब्दों में हम नारी का अपमान करते हैं। क्या हम स्वभाव से, संस्कार से, रोजमर्रा की जिंदगी में नारी को अपमानित करने वाली हर बात से मुक्ति का संकल्प ले सकते हैं?